IPL 2020 के शुरू होने में अब बहुत कम वक्त बचा है, मगर कोरोना वायरस के चलते अपकमिंग सीजन में कैश रिच लीग का मजा किरकिरा हो सकता है। असल में चीन से शुरू हुए कोरोना वायरस ने क्रिकेट के गलियारों में भी दस्तक दे दी है। अब खबरें आ रही हैं, शायद इसलिए एहतियाती बरतते हुए अंतर्राष्ट्रीय मैचों के अलावा IPL के मैच भी खाली स्टैंड के बीच खेले जाएंगे। बता दें आपको, IPL पर कोरोना वायरस का खतरा मंडरा रहा है। भारत में बढ़ते कोरोना वायरस के केसों को देखते हुए बोर्ड को बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। असल में संक्रमण से बचाव हेतु खाली स्टेडियम में IPL मैच खेले जा सकते हैं। अब खाली स्टैंड में IPL खेले जाने को लेकर वीरेंद्र सहवाग ने क्रिकेटबाज से बात करते हुए कहा है, खाली स्टेट्स में मैच खेलने में वो मजा नहीं आता। जब आप चौका छक्का मारते हैं तो कोई ताली नहीं बजती, कोई शोर नहीं करता है, कोहली कोहली धोनी धोनी आवाज नहीं आएंगी तो वो मजा बिल्कुल नहीं आएगा। मगर वक्त की नजाकत को समझते हुए पब्लिक को स्टेडियम में न आने दिया जाए, क्योंकि अगर एक भी केस पहुंचा तो वहां मौजूद हजारों लोग प्रभावित हो सकते हैं। ये अच्छा तरीका है कि पब्लिक को आने ही ना दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। बता दें आपको, भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे एक दिवसीय सीरीज का पहला मैच बारिश के चलते रद्द हो गया था। इसके बाद अब BCCI ने पुष्टि कर दी है कि एहतियात बरतते हुए 15 मार्च को लखनऊ व 18 मार्च को कोलकाता में होने वाले वनडे मैच बंद दरवाजों यानी खाली स्टेडियम में खेले जाएंगे। सहवाग ने भी बोर्ड के इस तरीके का समर्थन करते हुए काफी कुछ लिखा है। बता दें आपको, IPL 2020 कोरोना वायरस के साए में है। असल में 29 मार्च से शुरू होने वाले अपकमिंग सीजन में एक एक करके मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। भारत सरकार ने 15 अप्रैल तक के लिए सभी वीजा कैंसिल कर दिए हैं। इसके चलते अब IPL में हिस्सा लेने वाले 60 विदेशी खिलाड़ियों के आने पर संशय बना हुआ है। इसके अलावा जनहित में सुप्रीम कोर्ट में IPL को रद्द करने की अर्जी भी डाली गई है। हालांकि अब IPL खेला जाएगा या नहीं, ये फैसला 14 मार्च को होने वाली गवर्निंग काउंसलिंग की मीटिंग में होगा। LD न्यूज रूम से आकाश की रिपोर्ट।